नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। देश के लिए मेडल लाने वाले आज खुद जंतर मंतर पर अपने ऊपर हुए दुर्व्यवहार, अपने ऊपर तमाम तरीके की जो भी समस्याएं फेडरेशन के द्वारा दी गई उसको लेकर धरने प्रदर्शन में व्यस्त हैं। हम आपको बता दें, किसी जमाने में जो आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं, इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े लोगों ने अलग से वक्त निकाला था, इन खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाई थी, इनका उत्साह बढ़ाया था। लेकिन जब आज ये खिलाड़ी मांग कर रहे हैं जांच की, वो भी अपने ही फेडरेशन के खिलाफ, तो इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पिछले दिनों इस मामले को लेकर ये खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहाँ से हालांकि दिल्ली पुलिस को ये आदेशित किया गया कि आप जांच करके इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन जांच अभी जांच ही कर रही है दिल्ली पुलिस। किसी भी तरीके से इन खिलाड़ियों को अभी राहत नहीं मिली है। ये खिलाड़ी साफ तौर से कह रहे हैं, जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हालांकि काफ़ी लोग इनको जन समर्थन देने के लिए जंतर मंतर में पहुँच रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जंतर मंतर में जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ, उनके समर्थकों के साथ एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से व्यवहार किया, उसको लेकर खिलाड़ी पूरे देश भर के काफ़ी आक्रोशित हैं। पूरे देश में इन खिलाड़ियों को जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। ये खिलाड़ी केवल और केवल ये चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो, जांच के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन इनके लगाए आरोपों पर जांच ही हो रही है, पता नहीं ये जांच कब तक चलेगी, जिसको लेकर ये खिलाड़ी काफ़ी आक्रोशित हैं। पूरे देश में तमाम लोग इनको जन समर्थन दे रहे हैं, हर आदमी चाहता है खिलाड़ियों को न्याय मिले, वो भी उन खिलाड़ियों को जो देश के लिए मेडल लाए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरस रहे थे। पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के साथ आज जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर आम आदमी काफ़ी चिंतित है। रीवा में भी आज NSUI के बैनर तले कुछ खिलाड़ी एकत्र हुए, उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का निश्चय किया, पहुंच गए रीवा के वेंकट भवन के सामने, यहीं पर कमिश्नर ऑफिस कोर्ट भी मौजूद है। खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, धरने के बाद जो भी मेडल उनको मिले थे वो आज वापस करने जा रहे हैं। माना जा सकता है जब छोटे से शहर के खिलाड़ी इस तरीके से अपने आदर्श खिलाड़ियों का साथ दुर्व्यवहार होते देख रहे हैं, तो उनका कहना है जब इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो हमारे साथ ना जाने क्या होगा, ज़्यादा बेहतर है हम इस खेल को ही छोड़ दें। आज खिलाड़ी खेल छोड़ने की बात कर रहे हैं, सुनिए हमने कुछ खिलाड़ियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना था। मेडल वापस कर रहे हैं क्यों? देखिए, हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे जैसे युवा अनेक खेल में उनसे प्रेरणा लेकर खेल में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, तो जब ऐसे खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही है जिनसे स्वयं मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समय निकालते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो लगभग महीनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो हम जैसे खिलाड़ियों हम जैसे जो खिलाड़ी हैं उनके खेलने का क्या मतलब, जब उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी कौन सुनेगा, हम क्या कर पाएंगे। क्या नाम है, किस में मेडल जीता? ससमोल तिवारी, देशवाल यूनिवर्सिटी कैप्टन। ये धरना हम लोगों का इसलिए है क्योंकि जिसके साथ लोग तरसते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, खिलाड़ियों के, वो आज कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, जहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए समय निकाल के जाते हैं,
हमारे भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, वह जंतर मंतर में अपने पदक वापस कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए आज हम सब यहाँ युवा साथी यूथ कांग्रेस के बैनर तले यहाँ एक दिन के धरने कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रवि सुमित सिंह, NSUI जिला पाटी।